अगर हम उत्पीड़न की बात करें तो हमारे देश के अंदर उत्पीड़न है, उत्पीड़न का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण के लिए उपाय है, उपाय है तथागत गौतम बुद्ध का धम्म, जिसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर देकर गए थे, आप बौद्ध बनेंगे। बेहद खुशी हो रही है कि एक महिला मंडल ने जो गीतों के माध्यम से समा बांधा है, ये पूरे भारत में बहुत कम जगह देखने को मिलता है और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन इस तरह की मंडलियां हमारी एक एक बस्ती में बननी चाहिए। मैं पूरा साथ दूंगा इस महिला मंडल का जो माता रमाबाई जी के नाम पर बनी है, कि वो दिल्ली नई दिल्ली के आसपास भी सभी जगह महिलाओं की टीमों का गठन करें, क्योंकि हमारे पास अल्टरनेट नहीं है। हमारे लोग मजबूरी में दूसरे लोगों के तीज त्योहार को मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनका विकल्प हमने खत्म कर दिया। उधर हम उन्हें जाने से रोक रहे हैं क्योंकि वहां हमारा विनाश है, वहां हमारे जीवन में कोई तरक्की का मार्ग नहीं है, वहां केवल अंधकार है, वहां केवल पिछड़ापन है, शोषण है, उत्पीड़न है, वहां गुलामी है, लाचारी है, बेबसी है, वहां से हमारे लोगों का भला होने वाला नहीं है। लेकिन जब वहां से हटाया है तो कुछ ना कुछ अल्टरनेट देना होगा, और मैं समझता हूं कि महिला मंडल अगर सब जगह महिलाओं की इस तरह की टीम गठित कर दे, ताकि हम लोग भी अपने अल्टरनेटिव त्योहार मनाए और उस पर अपने महापुरुषों के बारे में गीत के माध्यम से, गायन के माध्यम से हम लोग अगर अपने कारवा को, बाबा साहेब के मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे, तो दुनिया की कोई ताकत बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। आप सब जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर से निकल जाए, बाजार कुछ खरीदने के लिए जाता है, लेकिन वो चलते चलते अगर उसकी अचानक यात्रा चली जाए और वो रास्ता भटक जाए, क्या वो व्यक्ति कभी अपने घर वापस आ सकता है? क्या नहीं आ सकते ना। लेकिन अगर उसको अचानक अपने घर का रास्ता याद आ जाए, उसकी यात्रा से वापस आ जाए, तो अपने घर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, आएगा ना। तो भाई एक सवाल है मेरा छोटा सा, उसका जवाब दे दो। पहले हमें नहीं पता था कि हमारे पूर्वज क्या थे, हमारा इतिहास क्या था। आज हमें पता चल गया हमारे पूर्वज बौद्ध थे। हमारी सांस्कृतिक विरासत दुनिया के अंदर सबसे कीमती है। सम्राट अशोक के टाइम पर म्यांमार से लेकर ईरान तक पूरा भारत बौद्ध में था। हमारे पूर्वजों की विरासत जहां भी खुदाई होती है, धरती का सीना चीर कर निकल के सामने आती है। तो ये तो हमारे और आपके लिए, सबके लिए गौरव की बात है। तो आज हमें जब पता चल गया कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे, पहले मान लो हम भटक गए थे, तो आज तो पता चल गया ना कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे, तो हम अपने बुजुर्गों की उस विरासत में, बुद्ध के धम्म में घर वापसी कब करेंगे? कितना टाइम और लगेगा? इसका जवाब आपको खोजना होगा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के आने से पहले की स्थिति को पढ़ लो। जब हमारे लोगों के पढ़ने लिखने पर, व्यापार करने पर, संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदिश थी, तो हमारे समाज की हालत क्या थी? हमारे समाज के लोग हजारों साल तक गुलाम क्यों रहे? गुलामी का कारण अविद्या था, क्योंकि जब ना पढ़ने का अधिकार था, ना संपत्ति का, ना व्यापार का, इसी के ऊपर गुलामगिरी में शुरू में ही ज्योतिबा फूले जी ने लिखा है, ज्ञान बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना धन गया, धन के अभाव में हमारे लोग गरीब हो गए और गुलाम हो गए। और ये जो नुकसान हमारे बहुजन समाज का हुआ, शूद्रों और अछूतों का हुआ, ये अविद्या की वजह से हुआ, ये पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश की वजह से हुआ। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमारे ज्ञान के रास्ते खोल दिए, हमारे पढ़ने लिखने के रास्ते खोल दिए, हमारे नौकरी के रास्ते खोल दिए, हमारे सत्ता में आने के रास्ते खोल दिए। लेकिन वो रास्ते कितने दिन खुले रहे? इस रास्ते को खोलने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो कुछ हमें दिया, ये सब देने के लिए क्या क्या गवाया कभी उसके बारे में हम सोचते हैं? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये सब हमें देने के लिए अपने 5 में से 4 बच्चों को गंवा दिया। जवानी में अपनी पत्नी माता रमाबाई को गंवा दिया, तब कहीं जाकर वो हमारे आगे बढ़ने के रास्ते बना पाए। हम लोग को डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, एमपी, एमएलए, सारे रास्ते, यहां तक कि राष्ट्रपति बना दिया। वो अकेले सब कुछ देकर गए, लेकिन सवाल यह है कि हम सब लोग मिलकर
जो बाबा साहब देकर गए उसको भी बचा कर नहीं रख पाए, वो भी सब छिन गया है, एक साजिश के तहत छिना है, अपने आप नहीं छिना है। उन लोगों को यह बात बर्दाश्त नहीं होती जो हजारों साल तक उनके गुलाम थे, वो तरक्की के रास्ते पर कैसे निकल आए, जो कभी हमारे सामने खाट पर नहीं बैठ सकते थे वो लोग हमारे अफसर बनकर कैसे आने लगे, वो डॉक्टर बन रहे हैं, जज बन रहे हैं, कलेक्टर बन रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं। अगर इसी तरह दलित समाज के लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे तो उनकी फैक्ट्रियों में सस्ते मजदूर कहां से आएंगे, उनके खेतों में सस्ते मजदूर कहां से आएंगे, यहीं से उनके पेट में दर्द हो गया। और उन सरकारों ने, सत्ता ने मिलकर हमारे और आपके खिलाफ एक षड्यंत्र रच दिया, और षड्यंत्र रच के जितने भी सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियां होती थी, LIC, बाकी इंश्योरेंस कंपनियां, देश के सारे बैंक, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, MTNL, BSNL, ITD के होटल, बालको, नालको, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, और जितने भी बंदरगाह, एक एक करके देश की सरकारों ने सबको बेच दिया। और जो बिक गया वहां, जो नौकरी में हमारे लोग आते थे उनके नौकरी का रास्ता बंद हो गया। एक समय था, और आप सब लोग इस बात से सहमत भी होंगे, एक समय हर घर में, शहरों में कहीं कहीं तो तीन तीन चार चार लोग सरकारी नौकर होते थे। आज पूरी बस्ती के अंदर एक दो कोई मुश्किल से सरकारी नौकर, जो नहीं जिसकी नौकरी लग रही हो, एक दो मिलता है। सही बोल रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं ना? नौकरी के रास्ते आपके इन्होंने बंद कर दिए। पढ़ाई से हम लोग आगे बढ़े थे, पढ़ने के रास्ते खुलने आगे बढ़े थे, लेकिन इन्होंने पढ़ाई को इतना महंगा कर दिया कि हमारे लोग पढ़ ही ना पाए। जब ना पढ़ पाएंगे तो आगे बढ़ने का रास्ता ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। और उन्होंने बड़े साजिश के तहत, चालाकी से काम किया। एक तरफ उन्होंने सरकारी स्कूलों को कमजोर किया, प्राइवेट स्कूल खोलने शुरू किए, और दूसरी तरफ पिछले 15-20 साल के अंदर, सूचना के अधिकार से सूचना मिली है, पिछले 15 से 20 साल में 2.25 लाख के करीब सरकारी स्कूल बंद हो गए। जनसंख्या कम हो रही है, बढ़ रही है? जनसंख्या बढ़ रही है तो स्कूल और बढ़ने चाहिए थे, लेकिन स्कूल बढ़ने की बजाय बंद हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूल खुलते जा रहे हैं, और प्राइवेट स्कूल के अंदर फीस, शहरों के अंदर एक बच्चे की फीस का खर्चा, किताबों का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, सारे खर्चे अगर जोड़ लिए जाएं तो एक बच्चे को पढ़ाने के लिए एक माँ बाप को 8 से 10 हजार रुपया महीना खर्च करना पड़ता है। और अगर घर में दो बच्चे हैं तो दो बच्चों की पढ़ाई के लिए 15 से 20 हजार रुपया चाहिए, जबकि अनुसूचित जाति जनजाति के लोग 99% ऐसे हैं जिनके पूरे परिवार की इनकम 3 हजार रुपए से लेकर 20 हजार रुपए के बीच है। केवल 1% ऐसे लोग हैं जो बाबा साहेब के रिजर्वेशन से नौकरी में आ गए, या कोई छोटा मोटा व्यापार कर लिया, या कोई किराए का साधन बना लिया, जिनके घर में थोड़ा ठीक ठाक इनकम आ रही है, वो तो अपने बच्चों को आगे हायर एजुकेशन में पढ़ा सकते हैं, वरना सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, मैनेजमेंट कॉलेज में, लॉ कॉलेज में आज एक बच्चे को डिग्री कराने के लिए 15 से 20 लाख रुपया चाहिए सरकारी कॉलेज में। क्या हमारे 99% लोग 15-20 लाख रुपया खर्च करके इंडियन लॉ यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को 5 साल का लॉ का कोर्स करा सकते हैं क्या? क्या इंजीनियरिंग का कोर्स कराने के लिए सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर क्या वो 15 लाख रुपए खर्च करके 4 साल की डिग्री करा सकते हैं क्या? नहीं करा सकते। इसका मतलब सरकारों ने साजिश करके हमारे लोगों के पढ़ने लिखने के रास्ते को भी बंद कर दिया। कहते शिक्षा बहुत अच्छी हो गई है, अरे मैं पूछना चाहता हूं, 12वीं तक पढ़ के क्या कोई बच्चा कुछ बन पाएगा? जब उसका हायर एजुकेशन में नंबर आता है तो फीस, पैसे के अभाव में फीस जमा ना कर पाने की वजह से उसका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। ऐसे बच्चों का क्या कसूर है? जो बच्चे काबिल हैं, मेहनत करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम पास करते हैं, लेकिन पैसे के अभाव में पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्या सरकार उनके लिए कुछ करेगी या नहीं करेगी? क्या ऐसी सरकारों की जरूरत क्या है जो हमारे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा ना उठा पाए? क्या हमें ऐसी सरकारों की जरूरत है जो हमारे युवाओं को रोजगार ना दे पाए, जो हमारे लोगों का इलाज ना करा पाए? क्या ऐसी सरकारों की जरूरत है? लेकिन गलती हमारे समाज की है। हमारे समाज के लोग छोटे छोटे लालच में जी जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि ये जो वोट का अधिकार आपको मिला है ये बड़े मुश्किल से मिला है। जब संविधान सभा में इस बात पर चर्चा हो रही थी कि वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए, तो ज्यादातर संविधान सभा के सदस्य इस फेवर में थे कि जो इनकम टैक्स पे करते हैं उनको वोट का अधिकार मिलना चाहिए। जो बड़े जमींदार हैं
ये जो ग्रेजुएट है उनको वोट का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन उस सभा में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सोचा, जब हमारे पढ़ने लिखने के रास्ते धार्मिक रूप से बंद कर रखे थे, मनुस्मृति के द्वारा बंद कर रखे थे, तो हमारे लोग पढ़ लिख नहीं पाए तो ग्रेजुएट कहां से बनते। जब मनुस्मृति के माध्यम से हमारे लोगों के व्यापार करने पर धार्मिक बंदी थी, संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदी थी, तो हमारे लोग व्यापारी नहीं बन पाए तो इनकम टैक्स पे ही कहां से बनते, वो जमींदार कहां से बनते। इसका मतलब संविधान सभा के सदस्य भारत की महिलाओं को, दलितों को, शूद्रों को, आदिवासियों को वोट का अधिकार नहीं देना चाहते। इसका मतलब संविधान सभा के सदस्य भारत के केवल 5% लोगों को वोट का अधिकार देना चाहते हैं। सोच के देखो, अगर केवल 5% लोगों को वोट का अधिकार दिया होता, अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चुप रहकर संविधान सभा की उस बात को मान लेते तो देश में 5% लोगों को केवल वोट का अधिकार होता तो क्या हमारे और आपके लिए कोई तरक्की का रास्ता खुलता क्या? आज तो कम से कम 5 साल में एक बार इसी बड़े से बड़ा नेता हमारे घर पर हाथ जोड़कर वोट मांगने आता है और हम लोग भूल जाते हैं कि वोट का अधिकार दिलाने के लिए, नौकरी का अधिकार दिलाने के लिए, संपत्ति का अधिकार दिलाने के लिए, हमारी प्रगति का मार्ग बनाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 5 में से 4 बच्चे और जवान पत्नी माता रमाबाई को खोया। हमें वोट का अधिकार सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन हम शराब की बोतल में 1000-2000 रुपए में 5-10 किलो अनाज में अपने इस कीमती वोट के अधिकार को खो देते हैं, जिस वोट के अधिकार के द्वारा हम सरकारों को चुनते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जिन पूंजीपतियों के पैसे से हमारी वोट खरीद रहे हैं, उन्हीं पूंजीपतियों के हाथों पूरे देश के भविष्य को, यहां तक कि हमारे बच्चों के भविष्य को बेच देते हैं। क्या हमें जागरूक नहीं होना चाहिए? हमें सोचना नहीं चाहिए कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर देकर गए थे वो छिन क्यों गया? वो तो अकेले चंद साथियों के साथ लड़े, सब कुछ दे दिया। हम सारे लोग मिलकर जब हम जज भी बन गए, डॉक्टर भी बन गए, इंजीनियर भी बन गए, कलेक्टर भी बन गए, साइंटिस्ट भी बन गए, प्रोफेसर भी बन गए, एमएलए भी बन गए, एमपी भी बन गए, मुख्यमंत्री भी बन गए, यहां तक कि राष्ट्रपति भी बन गए, लेकिन सब कुछ बनने के बाद भी हम सब लोग मिलकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दिए हुए अधिकारों तक को सुरक्षित नहीं रख पाए, एक एक करके सारे अधिकार छिन गए हैं। तो हमारे बच्चों का भविष्य क्या है? आने वाले समय में हमारे बच्चे क्या बनेंगे? क्या इस बात पर हमें चिंतन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या हमें सोचना नहीं चाहिए कि हम लोग जा कहां रहे हैं, हमारा समाज जा कहां रहा है? हमारे युवा पढ़ाई के अभाव में, पैसे के अभाव में पढ़ाई छोड़ देते हैं, नौकरी मिलती नहीं है, डिप्रेशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन से निकलने के लिए नशे का सहारा लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कब वो नशे के आदी हो गए और कब वो नशे की पूर्ति के लिए चोरी करना सीख गए, धीरे धीरे अपराध में चले जाते हैं, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, समाज अंधकार की तरफ जा रहा है, तरक्की के रास्ते बंद होते दिख रहे हैं। लेकिन इन सत्ता को सिर्फ हमारा वोट चाहिए, अधिकार कौन देगा? और जब हम खुद अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, हम लोग कहते हैं कि हमारा जाति की वजह से उत्पीड़न होता है और हम ही लोग फिर जातियों को मजबूत करने में लगे हैं। मैंने एक दिन ऐसे एक जगह पूछ लिया, कितने लोग हाथ उठा के बताइए कि हमें अपनी जाति पे गर्व करना चाहिए? यही सवाल मैं यहां भी पूछ लेता हूं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस बात को मानते हैं कि हमें अपनी जाति पर गर्व करना चाहिए? वो लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। यहां भी 80% से ज्यादा लोग हाथ खड़ा करके कह रहे हैं हाँ हमें अपनी जाति पे गर्व करना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, अगर जाति इतनी महत्वपूर्ण है कि जाति पे गर्व करना चाहिए तो फिर तुम्हारी गुलामी कभी खत्म नहीं हो सकती, तुम्हारा उत्पीड़न कभी खत्म नहीं हो सकता। जाति की वजह से तुम्हारा उत्पीड़न होता है और जाति पर तुम गर्व करने की बात कर रहे हो। जाति गर्व की नहीं, शर्म की बात है, क्योंकि जाति की वजह से सारा उत्पीड़न है और हम लोग जातियों का मजबूत कर रहे हैं। कोई कह रहा है दी ग्रेट जमात, कोई कह रहा है दी ग्रेट वाल्मीकि, कोई कह रहा है दी ग्रेट खटी। अरे अपनी अपनी जातियों को मजबूत करने में लगे हो, जब तक जातियां मजबूत रहेगी तब तक आपकी गुलामी चलती रहेगी। जिस दिन आपने जातियों को खत्म कर दिया और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात को मान के आप लोग बौद्ध बन गए, बौद्ध बनने का मतलब बिल्कुल उसी प्रकार है जिस प्रकार अनेकों नदियां अलग अलग नाम से जानी जाती है लेकिन समुद्र में गिरने के बाद अपनी पहचान खो देती है, उसी प्रकार आप लोग अगर अपनी जातियों को त्याग कर बौद्ध बन जाओगे तो आप बौद्ध कहलाओगे। लेकिन आपको जाति पर गर्व कर रहे हैं आप लोग को तो इतना भी एहसास नहीं है, किसी जाति की वजह से आपका हजारों साल तक उत्पीड़न हुआ, उसी जाति को तो मजबूत करने की बात कर रहे हो। शर्म नहीं आती? जाने में कर रहे हो, अनजाने में कर रहे हो, लेकिन कर रहे हो।
शादी करते हो अपने बेटा बेटी की तो अपनी जाति ढूंढते हो। बाबा साहब को नहीं मानते, कहते हैं बाबा साहब को मानते हैं लेकिन बाबा साहब की बात को नहीं मानते। तभी तो बुद्ध धम्म जो पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है, जिसमें आपकी तरक्की का मार्ग है, आपकी गुलामी से मुक्ति का मार्ग है, उसी तथागत बुद्ध के धम्म को जिसको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर देकर गए, जिसके लिए उन्होंने कहा था मी भारत बौद्ध में करी, मैं भारत को बौद्ध में करूंगा। बाबा साहब के सपने को सब चकनाचूर कर रहे हो, जातियों को मजबूत करने में लगे हो, आप बौद्ध कब बनोगे? हमारे और आपके सबके तरक्की का मार्ग, गुलामी से मुक्ति का मार्ग तथागत गौतम बुद्ध का धम्म है, जिसमें दया है, समता है, स्वतंत्रता है, बंधुत्व है, करुणा है, मैत्री है, सील है, इसमें सबके लिए कल्याण की भावना है। हम लोग सुना करते थे जब तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई और उन्होंने पहली बार सारनाथ में पंचवर्गीय भिक्षुओं को ज्ञान दिया, तो उन्होंने कहा था संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का उपाय है, तो अगर दुख से मुक्ति चाहिए तो अष्टांगिक मार्ग को अपने आचरण में उतारो। आप राग द्वेष लोभ मोह अहंकार और गुस्से को त्याग दो, अहंकार को त्याग दो, आपको दुख से मुक्ति मिल जाएगी। उसी प्रकार अगर हम उत्पीड़न की बात करें तो हमारे देश के अंदर उत्पीड़न है, उत्पीड़न का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण के लिए उपाय है, उपाय है तथागत गौतम बुद्ध का धम्म, जिसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर देकर गए थे, आप बौद्ध बनेंगे तो जातिगत उत्पीड़न से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, आपको तरक्की का मार्ग मिल जाएगा और पूरे भारत को दुनिया में आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं गौरव के साथ, गरिमा के साथ अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करना, तो जितना जल्दी हो सके इस जातिवादी नफरत वाले शोषण पर आधारित इस व्यवस्था को छोड़कर अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में बुद्ध के धम्म में वापस आओ और ये 22 प्रतिज्ञाएं जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर देकर गए थे उनको अपनाओ, उसी से हमारे समाज को मुक्ति का और तरक्की का मार्ग मिलेगा, दूसरा कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, इस उम्मीद और आशा के साथ, आप लोग आगे से कभी जाति पर गर्व करने की बात नहीं करोगे, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में बुद्ध के धम्म में घर वापसी की बात करोगे, मैं ऐसी आप सबसे उम्मीद करता हूँ। आप सब लोगों ने मुझे इतने सम्मान के साथ बुलाया, इतने सम्मान के साथ सुना और मैंने 3 गीत सुने। मैडम कह रही थी एक गीत और सुन लो, मैं सुन लेता, लेकिन ये जो होता है ज्यादातर लोग शनिवार और इतवार को अम्बेडकर जयंती के प्रोग्राम मनाते हैं, एक ही दिन में कई कई प्रोग्राम लगते हैं, फिर कल सुबह से प्रोग्राम रात को लेट तक चलेंगे, तो इसी तरह लगातार कोशिश करते हैं हर जगह अटेंडेंस लग जाए। ऐसा नहीं है, हमारी नीयत नहीं है कि हम ना सुने, या हम लोग घंटों